कि मामा नहीं कसाई है, जे तो कंस के भाई है। ओबीसी की 2 लाख वोटर हैं, ओबीसी चाहे वो कुर्मी हो, यादव हो, पाल हो, जनता देगी हम लोगों को जवाब देने की जरूरत। साथियों नमस्कार, इस समय मैं मध्य प्रदेश में हूं और मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जोरों पर है और हमारे साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हमेशा से सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बहुजन समाज पार्टी। हम इनसे बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र पटेल है, मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। हमारी राजनगर विधानसभा में हो या बिजावर विधानसभा हो, हम लोगों का लक्ष्य है कि हर जगह से ओबीसी विधायक बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि राजनगर में हम लोगों ने, हमारे इस पूरे संगठन ने डॉक्टर घासीराम पटेल को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी ओबीसी महासभा से भी हैं, इसलिए पूरा पिछड़ा वर्ग डॉक्टर घासीराम पटेल जी के साथ में। यहाँ तो यही कहा जा रहा है, यही बात हो रही है कि लड़ाई तो बस कांग्रेस और भाजपा में है। हमारी भाजपा कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग 25-30 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग दोनों को 20-20, 22-22 हज़ार वोट मिलना है, क्योंकि यहाँ ओबीसी की 2 लाख वोटर हैं। ओबीसी चाहे वो कुर्मी हो, यादव हो, पाल हो, कुशवाहा हो, ये सब मिलाकर 2 लाख वोटर SC ST ओबीसी के हैं और समन वर्ग के वोट केवल 40 हज़ार वोट हैं। 40 हज़ार में उनके 2 प्रत्याशी हैं, हमारे भी 2 प्रत्याशी, हमारे 2 लाख में 2 प्रत्याशी हैं, उनके 40 हज़ार में 2 प्रत्याशी हैं, तो हमारी टक्कर उनसे कहीं से कहीं तक है नहीं, क्योंकि हम लोग 30-40 हज़ार वोटों से डॉक्टर घासीराम पटेल बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? अभी 4 बार से विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, इस बार फिर से उन्हीं को टिकट मिला है, आप बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं आप। इसके पहले यहाँ से लोकल का कोई प्रत्याशी नहीं था और डॉक्टर घासीराम पटेल जैसे कोई दिग्गज नेता आज तक खड़े नहीं हुए हैं, इस बार वो खड़े हुए हैं। तो आप गाँव में या सिटियों में जाकर पता लगाएं कि यहाँ का माहौल क्या है बहुजन समाज पार्टी का। तो अभी वो भी तो यही इसी विधानसभा के हैं जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं? हाँ वो यहाँ से है, लेकिन उनका समुदाय बहुत कम है, उनके समुदाय की 8-9 हज़ार वोटें हैं। राजा महाराजा हैं और मतलब इस बार जो है जातिगत वोट पड़ेगा इसके वजह से आपके? नहीं नहीं, इसके यहाँ 101% राजनगर विधानसभा में ओबीसी का विधायक बनेगा, अयत्य है, क्योंकि यहाँ कुर्मी, काछी, यादव, पाल सब एक साथ होकर हाथी को वोट कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? जहर सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष ओबीसी महासभा। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे, कौन यहाँ से? तो बताया जा रहा है कि बस दो ही पार्टी है जो जिसमें टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस। देखिए मामा का तो ऐसा हाल है कि मामा नहीं कसाई है, जे तो कंस के भाई है। मामा जी को अभी 18 साल में याद नहीं आई बहनों की, आज याद आने लगी मामा जी को, पता नहीं मामा क्या करता है। राहुल गांधी जी को अभी तो जातिगत जनगणना की याद नहीं आने लगी, जब सर पे चुनाव आ गए तो जातिगत जनगणना की बात करने लगे। जे दोनों पार्टियां हमारी बहुजन समाज को गुमराह करे हुए हैं, आज 70 सालों से इन्होंने बहुजन समाज को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण में दिया है, यहाँ पे 14 पे अटकाए हैं, उसको भी झूला बनाए हैं, 27-65 आरक्षण में दे। तो ये दोनों सरकार जाने वाली है, ये पिछड़ा वर्ग को लॉलीपॉप दिखाती है, वो जहीं की तहीं खींचती है। तो क्या लग रहा है आपके जो विधायक जी जो अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, ये 4 बार से जो कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो होते आए हैं विधायक, इस बार भी हैं मैदान में, तो उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए अभी तक राजनगर विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी कभी नहीं यहाँ उतरा है, अब स्थानीय प्रत्याशी उतरा है तो निश्चित है कि डॉक्टर साहब की जीत होगी, वो बहुत बड़ी जीत होगी मध्य प्रदेश में, ऐसी जीत होगी कि राजनगर विधानसभा से होगी। चलिए और भी कुछ लोग हैं, देख लीजिए, दिव्यांग लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा बाबूलाल पटेल है और स्थानीय लोकल के प्रत्याशी को ही, लोकल के प्रत्याशी को ही तो राजनगर विधानसभा में सभी पार्टियों ने ही वोट दिया है, अरे टिकट दिया है। जैसे भाजपा के हैं तो मैं भी भाजपा का रहा, समर्थन कर रहा, लेकिन भाजपा के आप समर्थक थे? हाँ पहले थे, पहले, लेकिन आज नहीं है, अब नहीं। तो हाथी के हैं। अच्छा, हाथी के हैं। हाँ अच्छा। का भी क्या कारण हो गया आप हाथी को समर्थन करने? स्थानीय लोकल हमारे स्थानीय जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने शुरू से कार्यकर्ता रहे, बुजुर्ग हो गए, उनको टिकट नहीं दी गई और बाहर के लोकल कल आए और आज टिकट दे दी उन्होंने।
तो कांग्रेस से भी, कांग्रेस के भी तो प्रत्याशी हैं जो यहीं के हैं राजा, सभी कार्यकर्ता जितने हैं रोष्ट हो गए, सभी रोष्ट हो गए भाजपा से। 15 साल हो गए हैं, ठीक है, जनता खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। वो ये जो आप बात कर रहे हैं, जवाब जनता देगी, हम लोगों को विशेष जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप देखना 17 तारीख को जनता ही जवाब देगी इस बात का, ठीक है, कि हम किसके साथ में संतुष्ट हैं, किसके साथ में नहीं है। बिल्कुल दादाजी, आप कांग्रेस जो है भाजपा से छोड़ के आए हुए हैं? हाँ, भाजपा से छोड़ के इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा जी, भाजपा में सही नहीं था? भाजपा में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कोई यहाँ इज्जत ही नहीं मिली अब की बार। अच्छा। और उनको ना पूछताछ ना कोई इज्जत, और टिकट दे दी। कल आए जो यहाँ कार्यकर्ता करने लगे काम, उनको टिकट दे दी। और जो शुरू से यहाँ कार्यकर्ता बने रहे, बुजुर्ग हो गए, उनका कोई स्थान नहीं समझा। अच्छा, आप दिव्यांग, आप भी जाते हैं जो है में? बिल्कुल हाँ, और तन मन धन से उनका, और बड़े लंबी जीत होगी विजय श्री। हाँ।